तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद की 10 फोटो यानी 10 फोटोज आपको रेडी करके रख देनी है। कोई भी 10 फोटोज आपको यहाँ पर आपकी खुद की रेडी करके रख देनी है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो स्क्रीन के ऊपर जो एप्लीकेशन मैं मूव कर रहा हूँ ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इसका नाम है VN एप्लीकेशन। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट ऐड करना है। तो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी जो शो कर रहा हूँ ये वाला टेम्पलेट आपको ऐड करना है। तो ये वाला टेम्पलेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर रेडीमेड मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहीं पर से भी जाके आप इसे मतलब टेलीग्राम पे कोई भी वे से आप चले जाओ और ये वाले टेम्पलेट को डाउनलोड कर लो। टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके सबसे पहले आपको इस टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको खुद की 10 फोटो को सिलेक्ट करना है। तो स्क्रीन के ऊपर ही आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ऊपर एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा। तो ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर अभी आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है वो सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने फोटोज रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पर अभी आपको 10 फोटो को सिलेक्ट करना है। कोई भी 10 फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको 10 फोटो को सिलेक्ट करना है। स्क्रीन के ऊपर आपको 11 नंबर आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपने एक टेम्पलेट भी ऐड किया है। तो टोटल यहाँ पर 11 नंबर आ जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आप देख सकते हो, सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो शो हो जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको वन बाय वन है कि एक फ़ोटो को देख लें, मैन्युअली चेक करना कि कोई फ़ोटो आपका जो 9:16 का फ्रेम रेशो इसके अंदर बाहर तो नहीं चला गया। अगर आपको इसे एडजस्ट करना है तो फोटो के नीचे बाहर उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आके इस जूम इन जूम आउट करके इस फोटो को आप इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आपको मैन्युअली हर एक फोटो को यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद वीडियो के एकदम एंड में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक ब्लैक कलर का फोटो दिखेगा, तो इस ब्लैक वाले फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हो टैप टू एड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूजिक के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। अब ये जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो आपको लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप ऑडियो के सामने एक चूज का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन रहेगा, उसे आपको 100 करना है। फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है और नीचे एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आके टोटल आपको यहाँ पर 10 बीट्स ऐड करनी है। तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है और जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट बीट है उसका टाइम है 0.62, तो 0.62 आने तक आपको इसे मूव करना है और जिस पॉइंट पे 0.62 आ जाएगा उस पॉइंट पे आके रुकना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 0.62 आ चुका है, तो इस पॉइंट पे आके स्क्रीन के नीचे सेंटर में एक सर्कल दिखेगा रेड कलर का जिसमें एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। तो सिमिलरली बाकी के बचे हुए 9 बिट्स भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर ऐड करनी है। तो बचे हुए 9 बिट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैं स्क्रीन के ऊपर अभी आपको शो कर दूंगा, उस हिसाब से आपको सारे बिट को यहाँ पर ऐड करना है। सारे बिट ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से 10 नंबर आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक टिक मार्क का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक टिक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको करना क्या, आप कोई भी फोटो को जैसे जूम करते हो दो उंगलियों की मदद से, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से आपको जूम कर लेना है ताकि आपको एडिट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑडियो का बार है, इसमें आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही है। तो आपको हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो और वीडियो को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है इसे तो आपको इग्नोर ही करना है। इसके बाद जो सेकेंड वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो फर्स्ट फोटो रहेगा उसे इस पॉइंट तक ड्रैग करना है। फिर सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करके सेकेंड फोटो को ड्रैग करना है। ऐसे हर एक लाइन तक हर एक फोटो को आपको ड्रैग करके ले लेना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक फोटो को मैंने हर एक लाइन के अकॉर्डिंग मैच कर लिया, लेकिन लास्ट वाले फोटो के लिए ऊपर आपको कोई भी वर्टिकल लाइन शो नहीं हो रही। तो आपको करना क्या, ऑडियो का बार आपका जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक इस वाले फोटो को ड्रैग करके लेना है कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद जो आपका फर्स्ट फोटो रहेगा इसे आपको सिलेक्ट करना है, नीचे FX के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है।
एफएक्स के ऑप्शन पे चले जाने के बाद यहाँ पर ये जो फोटो है इसको आपको एकदम इस तरीके से एकदम स्टार्टिंग में लेके आना है इस वाइट वर्टिकल लाइन को। इसके बाद नीचे आपको इफेक्ट दिखेंगे तो इसमें आपको एक जूम इन का इफेक्ट दिखेगा, तो जूम इन वाले इफेक्ट पे सिलेक्ट करना है और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पे आना है, जो स्टार्टिंग में आपने जो टेम्पलेट ऐड किया इसे सिलेक्ट करना है, जो वीडियो ऐड किया था छोटा सा बैकग्राउंड वाला उसे सिलेक्ट करना है। इफेक्ट्स के ऑप्शन पे चले जाना है और अभी यहाँ पे आपको नीचे जो इफेक्ट दिखेंगे उनको पूरा राइट साइड में स्क्रॉल करना है। स्टार्टिंग में आपको एक नन का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे अभी जो सिंगल टिक मार्क दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो एक परफेक्टली बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ रील आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल के गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बना हुआ जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।